हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा निकाले गए कुछ रिक्रूटमेंट के बारे में। सो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट है ये है रिगार्डिंग द पोजिशन ऑफ JRF, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलो एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट। सो ये यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख सकते हो, आप ये डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑफिशियल पेज है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च का। ओके, तो ये नोटिफिकेशन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर रखा है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली गिवन इन दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। सो दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑफ द पोस्ट रिगार्डिंग जूनियर रिसर्च फेलो एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट। सो गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये प्रोजेक्ट टाइटल है GIS मैपिंग ऑफ माइक्रोबियल पॉपुलेशन फॉर देयर जियोग्राफिकल पोजिशन, जियोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल हैबिटाट्स टू एक्सप्लोर ऑयल एंड गैस रिजर्वायर्स इन जैसलमेर सब बेसिन ऑफ थार डेजर्ट। तो दोस्तों, आपको पता होगा थार डेजर्ट में, मतलब हमारा जो राजस्थान राज्य है उसमें, उसके पश्चिमी भाग में जो थार डेजर्ट आता है उसमें जैसलमेर नाम का एक पश्चिमी जिला है। तो उस जिले में जो भी गैस रिजर्व है या उसके जो बेसिन है, तो उसके बारे में स्टडी करना है। और वो स्टडी होंगी GIS मैपिंग बेस्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन, वहाँ पे जो भी माइक्रोब्स रहते हैं उनका जियोग्राफिकल पोजिशन, जियोलॉजिकल एंड जियोकेमिकल हैबिटाट उनके वहाँ पे किस तरीके से मौजूद है, और उस बेसिस पे GIS मैपिंग करके जो भी स्टडी करेंगे उस स्टडी के बेस पे वहाँ पे गैस रिजर्व है या नहीं, ये जानकारी इकट्ठा करना चाहता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। तो उसके रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे ये प्रोजेक्ट टाइटल देख सकते हो दोस्तों। ओके, सो फेलोशिप है एज पर एलिजिबिलिटी और वर्क एक्सपीरियंस ऑफ द कैंडिडेट, 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, एलिजिबिलिटी एज पर UDC और DST नॉर्म्स। ओके, तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनके तहत जो भी गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द जूनियर रिसर्च फेलो और प्रोजेक्ट असिस्टेंट, तो उस पर्टिकुलर गाइडलाइंस के तहत ये रिक्रूटमेंट है। सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, MSc और MTech इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। इसके अलावा भी MSc और MTech इन रिमोट सेंसिंग एंड GIS, मतलब MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स या MTech जियो इन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और MSc और MTech इन माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी और बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो दीज ऑल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट। ओके, सो गाइज, इफ यू बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन रिगार्डिंग यूर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, देन डू थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिसर्च फेलो एंड द प्रोजेक्ट असिस्टेंट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस मेल ID पे आपका रिज्यूम सेंड करना है। ये दो मेल ID यहाँ पे दे रखी है। कंप्लीटेड एप्लीकेशन कंटेनिंग द ईमेल ID एंड कॉन्टैक्ट नंबर मस्ट रीच विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो ये 2 दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया है, तो आज से लगभग 15 दिन तक आप यहाँ पे रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टू रिक्रूटमेंट पोस्ट आप मेल कर सकते हो। तो विद इन 15 डेज दोस्तों आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, और जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में आपको मेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर दिया जाएगा रिगार्डिंग योर इंटरव्यू। तो इंटरव्यू का पैटर्न वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए होगा, या अगर कोविड पेंडेमिक अच्छे से मैनेज होता है तो इन पर्सन भी इंटरव्यू यहाँ पे हो सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द COVID-19 पेंडेमिक सिचुएशन। तो इस तरीके से दोस्तों ये एक एडवर्टाइजमेंट था रिगार्डिंग बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, द पोस्ट आर जूनियर रिसर्च फेलो एंड प्रोजेक्ट असिस्टेंट, एंड इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर पोस्ट डू अप्लाई। ओके, सो आई होप दिस पर्टिकुलर सेशन इज यूजफुल फॉर यू गाइज। सो इफ यू find this session useful, then do like the session, share with your friend, and don't forget to subscribe our YouTube channel so you will get the notification of such an interesting advertisement. And so thank you and have a great day. See you soon in our next class.